स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते, या तो सच बता दो या अपने बाप को मारने के जुर्म में जेल चले जाओ। बता विद्युत, सच क्या है? जूही को किसने मारा? बोल विद्युत, मैं सच जानना चाहता हूँ, क्योंकि तू जानता है, मैं जानता हूँ अवनि ने जूही को नहीं मारा, तो मारा किसने? बोल विद्युत, सच क्या है? जूही को अवनि ने नहीं मारा, जूही को तुमने नहीं मारा, जूही को गुरु माने नहीं मारा, तो किसने मारा? बोल विद्युत, मैं सच जानना चाहता हूँ, कौन है इसके पीछे? विद्युत बोल, मैं वेट कर रहा हूं। कौन है इसके पीछे? तुम ना जेल जा रहे हो मर्डर के जुर्म में। मर्डर? किसके मर्डर के इल्जाम में? कोई सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारी मामूनी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हारी माँ है सबूत, और विक्टिम था तुम्हारा बाप, जिसे बचपन में तुमने जान से मार दिया था। पंडित ने अपने पति को नहीं मारा था, विद्युत ने मारा था अपने बाप को। हम अपने बच्चे को खून के इल्जाम से बचाने के लिए अगर खुद सजा काट सकते हैं, तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते, या तो सच बता दो या अपने बाप को मारने के जुर्म में जेल चले जाओ। बता विद्युत, सच क्या है? जूही को किसने मारा? बोल विद्युत, मैं सच जानना चाहता हूँ, क्योंकि तू जानता है, मैं जानता हूँ अवनि ने जूही को नहीं मारा, तो मारा किसने? बोल विद्युत, सच क्या है? जूही को अवनि ने नहीं मारा, जूही को तुमने नहीं मारा, जूही को गुरु माने नहीं मारा, तो किसने मारा? बोल विद्युत, मैं सच जानना चाहता हूँ, कौन है इसके पीछे? विद्युत बोल, मैं वेट कर रहा हूं। कौन है इसके पीछे? मामूनी, तुमने मुझे धोखा दे दिया। कल तक ये बात मैं सोच भी नहीं सकता था, मुझसे मेरी अवनि छीनने के लिए इस हद तक चली गई तुम। तुम्हारी खामोशी का मतलब ये है कि तुम जेल जाना चाहते हो अपने बाप के मर्डर के जुर्म में। तो वही सही, तो मैं तुम्हें जेल भेज देता हूं। जूही का खून मैंने नहीं किया है। जूही का खून मामूनी ने किया है, रागनी पंडित ने। क्या? जूही का खून रागनी पंडित ने किया और अपनी बेकसूर है। सर, ये तो साफ साफ झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हारी बात ऐसे नहीं मानूंगा, पता है ना तुम्हें? क्या है, कहां लेके जा रही हो हमको? क्या जा कर रहे हो? चलिए। अरे बता, कहां लेके जा रही हो मुझे? कहा पंडित, तेरे ऊपर एक और चार्ज है, जूही के मर्डर का। ये केस एकदम पुख्ता है। तेरी वजह से एक मासूम इंसान जेल गए, सिर्फ तेरी वजह से। क्या बकवास कर रहे हो? हमने जूही का कत्ल नहीं किया, पूरी दुनिया को पता है। सबूत क्या है आपके पास? सबूत खुद चल के तेरे सामने आएगा। डीडी, भिक्षु ने क्या कर रहे हैं ये लोग? बकवास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जूही का कत्ल हमने किया है, बेकार हमारे ऊपर नाम लगा रहे हैं। ये बहुत गंदी गेम खेल रहे हैं विद्युत, समझा इनको, बता इनको।
जूही के मर्डर के वक्त रागिनी पंडित को मेडिकल रीजन की वजह से जेल से बाहर निकाला गया और अवनी को फॉलो किया और एक गोली चलाई जिस गोली से जूही का खून हुआ। क्या कर रहे हो तुम? बल्लू को बुलाइए। एक घने जंगल में मेमना और उसकी माँ साथ में रहते थे। वो दोनों अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। फिर एक दिन जंगल में भेड़िया आया। भेड़िया काफी शातिर था। उसने भेड़ का शिकार किया। भेड़िया भेड़ की खाल पहन के उनके झुंड में रहने लगा। वो मेमने के साथ मेमियाता, उसके साथ खेलता। पंचघाटी की अंजलि सक्सेना लापता हुई है। मुजरिम अब तक फरार है। तेरे साथ जो भी हुआ ना अंजू, मैं पता लगा कर आऊंगी। मम्मा, तो उस भेड़ी ने सबको मार दिया। ऐसे कैसे मारेगा? मेमने की माँ पूरी दुर्गा माँ है। मैं अपनी दोस्त के गुनेगार को पकड़ कर ही रहूंगी। क्या आप मेरा साथ दोगे? हवाओं में खुला है इश्क, पर उसमें है एक अजब सा रिस्क। कह दूं तुम्हें, कल से रात 11 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जी, अवनी ने मुझे गोली मारी थी सेल्फ डिफेंस में। इसका मतलब यह है कि अवनी ने गोली चलाई लेकिन बल्लू के पैर में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, राइट? अब तो तू अवनी को बाहर निकालेगा ना? अफसोस हो रहा होगा ना तुम्हें? तुम्हें मेरी बात सुन लेनी चाहिए थी। गेम खेल रहे हमारे साथ, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे। विद्युतिया हमको फंसाने की कोशिश कर रहे, दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे। मत सुने की बात को, जितने मत दे। तुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या करने की कोशिश कर रहे? आपने मेरी अपनी को मारने की कोशिश की मामी, उसे दीवार में दफन करने की कोशिश की आपने। पंडित को लेके जाओ। माँ है हम तेरी, मामूनी। हमने तुझसे कहा था ना, अवनी तेरी मजबूरी है और आज तेरी इसी मजबूरी को ये लोग तेरी माँ के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। विद्युत, ऐसा मत कर, ये लोग खेल रहे हमारे साथ। हम तेरी ताकत हैं और हमसे दूर तू कुछ नहीं है। तू कमजोर पड़ जाएगा। एक लड़की के लिए आज तू अपनी मामूनी के साथ। विद्युत, विद्युत तुझसे कोई मिलने आया है, मिलना चाहेगा? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कहा था ना कि ना तो मैं किसी यात्रा पे जा सकता हूँ ना ही किसी फंडराइजिंग पे। मिस्टर विद्युतार, आपको हमारे साथ कहीं भी जाने की जरूरत नहीं और हम भी आपको अपने साथ दोबारा देखना नहीं चाहते, क्योंकि आप हमारी पार्टी के सदस्य नहीं रहे। इस रिजाइनेशन पे साइन कर दीजिए।
क्यों साइन करो उस पे? क्योंकि आप अंडर ऑब्जर्वेशन है अपनी माँ के क्राइम को छुपाने के जुर्म में। तो तूने मुझे धोखा दिया चालबाज। एक बात याद रखना, अब तुझे विद्युत से भी विद्युत नहीं बचा सकता है। कैसे कैसे लोगों को नेता बना रखा है आपने? और आप लोग भी ऑफिशियली इनके सिक्योरिटी गार्ड नहीं रहे। ये क्या है एमएलए साहब, आप तो लाल बत्ती से सीधा सड़क पर आ गए। डीडी, इसे घर वापस आने के लिए ऑटो के पैसे दे दो, मेरी सैलरी से कटवा लियो। मैं किसी की उधार ही नहीं रखता। आई विल किल यू। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है विद्यु, बहुत कुछ सुनना बाकी है तुझे। ये देख रहे तू? देख इसे, ये तेरी मामूनी का फरमान है। तेरी मामूनी के लाइफ सेंटेंस को डेथ सेंटेंस पे कन्वर्ट करने का फरमान है। रागिनी पंडित का केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ट्रीट किया जाएगा। शी इज अ डेंजर टू द सोसाइटी, हमारे समाज के लिए वो एक कैंसर है। ऑफिसर नहीं, चुप कर। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है विद्युत। मैंने तुझसे कहा था ना विद्युत, अवनी ने जो सहा है उसकी सजा मैं तुझे जरूर दूंगा। 6 महीने से चाहत का नकाब ओढ़े तेरा पागलपन हम सब ने देखा, बस सिर्फ 6 घंटे लगे सच्चे प्यार को प्रूव करने के लिए। देखी ना तूने? अब दोबारा इससे टकराने की कोशिश भी मत करियो विद्युत, क्योंकि अभी तो तू अपने पांव पे जा रहा है विद्युत, अगली बार अड़ती जाएगी तेरे यहां से। Just get the hell out of here. Get up! To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.